विदिशा एवं सागर जिले के दो पार्टों में फंसे मड़ी बामोरा में कुरवे पठारी मार्ग पर मरम्मत के बाद रेलवे गेट खुला है। मंगलवार रात को क्षतिग्रस्त रेलवे गेट बंद होने के कारण आवागमन बाधित हो गया था। बुधवार को राहगीर रघुराज सिंह ने बताया कि मंगलवार रात वह रेलवे गेट से दूर खड़े थे, उस दौरान किसी वाहन की टक्कर से रेलवे गेट टूट गया था। हम तो रात में दूसरे रेलवे गेट से निकलकर चले गए थे। रेलवे ने रात में मरम्मत कर रेलवे गेट सुधार दिया है। बता दें कि मंगलवार को अचानक रेलवे गेट टूट जाने की वजह से राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शादी समारोह में मंडी बामोरा कुरवाई गंज बासुदा खुरई पठारी की ओर आने जाने वाले लोगों को दूसरी रेलवे क्रॉसिंग से निकलने के लिए घंटों भटकना पड़ा। गौरतलब है कि आए दिन रेलवे गेट से वाहन टकराने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों को जुर्माना सहित अन्य दंड भोगना पड़ता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह। कैसे टूट गया था रात में ये गेट? निकल गई थी गाड़ी। अच्छा, फिर कब निकालते मैं? अच्छा, कौन सी गाड़ी? अब पता नहीं कौन सी थी, हम तो दूर खड़े थे। हाँ, तो घंटों खड़े रहते हैं वहाँ आदमी, तब वो परेशान होकर निकालते हैं तो वो टूट गया। अच्छा, कब सुधरा फिर ये? रात में ही सुधारा होगा, हम तो चले गए थे। अच्छा, अभी भी गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं? खड़े ही हैं हम तो, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।